तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक और शानदार से वीडियो के साथ। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अपने पास है हेल साइथ और यहाँ पे है गाइस 6 बेब्लेड एक्स के बेस। तो यस गाइस, हेल साइथ का इन 6 बेब्लेड के साथ बैटल करेंगे और हमने लास्ट कुछ वीडियो में कुछ बेब्लेड्स के बैटल कर रखे हैं। तो चूंकि अब हम बेब्लेड एक्स स्टेडियम में बैटल करते तो रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट होने लगे। पहले हमने जो बैटल्स किए थे वो हमने गाइस अपने बेब्लेड बस के स्टेडियम्स में किए थे, तो काफ़ी लोगों के लिए मतलब वो इवन सच में बोला जाए तो उनके रिजल्ट मतलब सही थे नहीं इतने, क्योंकि इनका एक्चुअल परफॉर्मेंस तो एक्स स्टेडियम में निकल के आएगा। तो आज एक प्रॉपर बैटल करेंगे एक्स स्टेडियम में, जो कि मैंने काफ़ी पहले बोला हुआ है और कुछ बेस का कर भी रखा है। तो हम टेस्ट करेंगे हेल साइथ को इन 6 बेब्लेड एक्स बेस के अगेंस्ट, और मुझे लगता है इसको हरा देना चाहिए ज़्यादातर बेस को। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइस, एक्साइटेड तो काफ़ी ज़्यादा हूँ आज की इस बैटल में, क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका स्टैमिना भी अच्छा है, इसका अटैक भी अच्छा है, तो मुझे तो भाई पसंद है। आप बताओ आपको कौन सा बेब्लेड एक्स पसंद है। तो गाइस अभी क्या करते हैं, अभी ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, स्टेडियम लाते हैं और बैटल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है आपको सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया और सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक शेयर कमेंट सब दबा के करो, ठीक है। तो चलो ये सब आप देख लेना, अभी क्या करते हैं बिना किसी तरीके स्टेडियम लाते हैं, पैडल को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो किड्स के लिए नहीं है। सो ये वीडियो इंटेंडेड है वाइल्ड कलेक्टर जो है इस प्रोडक्ट के, उनके लिए। तो यस गाइस, दिस वीडियो इज नॉट इंटेंडेड फॉर किड्स, इट्स इंटेंडेड फॉर वाइल्ड कलेक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो चलो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अपना स्टेडियम आ गया है और हम तैयार हैं अपनी बैटल के लिए। तो पहली बैटल गाइस स्टार्ट करेंगे एक और बैलेंस टाइप से, जो है ड्रॉन्जा। तो बैलेंस टाइप वर्सेस बैलेंस टाइप पहली बैटल ही धुआंधार होने वाली है। तो ड्रॉन्जा को देखते हैं ये हरा पाएगा या नहीं, दो दो बार ट्राई करेंगे एक बेस के साथ, देखते हैं दो बार में हरा पाता है कि नहीं। ये क्या ड्रॉन्जा रेस, अब बारी है गाइस। और ड्रॉन्जा रेस तो कुछ ज़्यादा ही पागल हो गया है, मुझे लॉन्च करने का मौका तक नहीं दिया इसने। और ये क्या, और सैडली फिर से हम लोग नहीं। तो ये दिक्कत आती है काफ़ी ज़्यादा अटैक टाइप्स या बैलेंस टाइप को लॉन्च करने में। अरे यार फिर से मैं लॉन्च नहीं कर पाया, मुझे लग रहा मैं आज कर ही नहीं पाऊँगा। ये क्या ड्रॉन्जा रेस, ये क्या हेल साइथ, और पहला एक ढंग का बैटल हुआ है, देखते हैं। वैसे हेल साइथ जीतेगा गाइस, क्योंकि हेल साइथ का जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा है ड्रॉन्जा रेस के कंपैरिजन में। और आप देख सकते हो वैसे एक बार और मैं इस बैटल को कर दूंगा, चूंकि मैंने बोला था दो बार कर देंगे, तो पहली बार उतना अच्छा वैसे भी हुआ नहीं है। और ये थ्री प्रॉन्ग होने की वजह से ना इसका लॉन्चर उतना अच्छा मतलब जल्दी फिट हो नहीं पाता है, तो ये भी एक थोड़ी समस्या आ जाती है। और आप देख सकते हो कि हेल्थ साइथ का स्टेमिना ऑब्वियसली ड्रॉन्जा रेस से, लेकिन ड्रॉन्जा रेस जीत गया। तो भाई खैर को क्या ही बोले, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, मैं खुद डाउट में हूँ। तो ड्रॉन्जा रेस को एक बार हराया था जो कि गुड इनफ है। एनी आओ अगले बेग की तरफ चलते हैं, जो कि है यहाँ पे नाइट शील्ड डिफेंस टाइप। तो चलो देखते हैं इसको हरा पाएगा कि नहीं, मुझे लगता है। अरे यार ये क्या हो रहा है, लॉन्च ही नहीं हो पा रहे बेस, कोई दिक्कत नहीं है। हेल साइथ ये क्या बारी है गाइस, सॉरी ये क्या नाइट शील्ड, अब बारी है हेल साइथ की। काफ़ी अच्छा अटैक, काफ़ी अच्छा अटैक, लेकिन मुझे लगता है बात नहीं बनेगी। तो गाइस जिस लेवल का परफॉर्मेंस ड्रैन शॉट देता है वो ऐसा परफॉर्मेंस इसका नहीं है, उतने ओपन अटैक से दे नहीं पाता है, तो इस वजह से उतना डैमेज नहीं दे पाता है मुझे लगता है। एक बार और ट्राई करें, क्योंकि अगर हेल्थ साइड की जगह ये ड्रैन शॉट होता भाई धज्जियाँ उड़ा देता इसकी। और सैडली हेल्थ साइड हार गया है, दो ट्राइज के बाद भी हार गया, तो थोड़ा बुरा लग रहा है। तो पहला लॉस जिस बेब्लेड को ये नहीं हरा पाया। अब गाइस ट्राई करेंगे विजार्ड एरो का डिफेंसिव कॉम्बो, चलो ट्राई कर। अरे यार ये क्या हो गया, फिर से करना पड़ेगा। तो गाइस ये क्या विजार्ड एरो का डिफेंसिव कॉम्बो, अब बारी है हेल साइथ की। और हेल साइथ अपने टेपर, ओ अभी आया मज़ा, ये हुई ना बात। तो अभी हेल साइथ का साथ थोड़ा सा ही को हर्ट हुआ है, तो अब ये जो विजार्ड एरो का एक काफ़ी अच्छा कॉम्बो है, जिसकी मतलब इसने बैंड ही बजा दी पूरी, बर्स्ट ही कर दिया, तो मज़ा आया है। अब गाइस ट्राई करेंगे ड्रैन स्वॉर्ड, इसको हराना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। और ड्रैन स्वॉर्ड तो खुद ही नॉकआउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। तो भाई ये मैच ही नहीं हो पा रहा है इन दोनों के बीच में सही से, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अग्रेसिव हैं और लॉन्च करने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि स्टैमिना मैच बनेगा तो ऑब्वियसली देखो हेल्थ साइड जीतेगा, और एकदम अटैक फोकस मैच बनेगा तो ड्रैन स्वॉर्ड जीतेगा। तो इस बार तो वैसे हेल्थ साइड जीत गया है, तो इन दोनों के मैच का ना
आउटपुट 50-50 ही होता है, 50-50 आउटपुट रहता है हमेशा। अब जैसे देखो ये स्टेमिना बैटल जैसा बनता हुआ है, तो अगर स्टेमिना बैटल बनेगा तो यहाँ हेल्थ साइड के जीतने का चांस ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है। तो इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है, कुछ कह नहीं सकते। वो तो दो बैट, मुझे एक ब्लेडर लाना पड़ेगा तो इसका प्रॉपर बैटल हो पाएगा। फिलहाल मैं विन ही मान के चलता हूँ कि हरा तो दिया ही था किसी न किसी तरह से। अब गाइस ट्राई करेंगे स्टेमिना कॉम्बो नाइट शील्ड का, देखते हैं स्कोर आ पाएगा कि नहीं। ये क्या नाइट शील्ड बारी है गाइस, हेल्थ साइड ये क्या हेल्थ साइड। और भाई इस कॉम्बो का तो कुछ कर ही नहीं पा रहा ये, तो ये थोड़ा सा सैड कर दिया है। मतलब ये तो ब्लू वाले नाइट शील्ड के साथ इतना दिक्कत नहीं हुआ था जितना इसके साथ हो रहा है इसको, और सैडली लॉस हो गया। कोई नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे इस बैटल को। ये क्या नाइट शील्ड, अब बारी है गाइस हेल्थ साइड की, ये क्या हेल्थ साइड। और मुझे लग रहा है इस बार भी शायद बात नहीं बनेगी। हाँ बैराज अटैक्स देता रहे तो बात अलग है, बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि गाइस ये कॉम्बो है स्टेमिना टाइप का तो झेल जाएगा, ये उतना स्टेमिना बचा ही लेगा। तो इसने भी, इसकी दोनों नाइट शील्ड के कॉम्बोज ने इसकी बैंड बजा दी, तो वो थोड़ा बुरा लगा। कोई नहीं गाइस, अब विजार्ड एरो का स्टेमिना कॉम्बो ट्राई करेंगे, देखते हैं स्कोर आ पाएगा कि नहीं। तो चलो देखते हैं ये क्या है साइड। और भाई ये क्या हो गया, विजार्ड एरो के कॉम्बो ने इसकी ही बैंड बजा दी। हो सकता है ढीला हो गया होगा, तो वैसे भी हम एक बार तो दोबारा करेंगे ही, तो अगर कहीं कुछ मिस्टेक रहेगा होगा तो इस बार कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं। अरे यार लॉन्च ही नहीं सही हो पाया सही से, बड़ी समस्याएं हैं लाइफ में। ये गया विजार्ड एरो, अब बारी है हेल्थ साइड की। ओ भाई अटैक, तो भाई मुझे लग रहा है मेरे हेल्थ साइड का कुछ तो कुछ ना स्क्रू वगैरह को ढीला हो गया है। मतलब ये कॉम्बो भाई बर्स्ट कर दे रहा है यार, मतलब सोच के थोड़ा सा बुरा लग रहा है हेल्थ साइड के लिए। या तो ये कॉम्बो बहुत अच्छा है नाइट विजार्ड एरो का, और या तो मेरे हेल्थ साइड में कोई समस्या है। तो चलो एक बार और कर लेते हैं, मैं बार बार एक बार बोल के इतना लंबा खींच दिया हूँ। और भाई ये कॉम्बो ख़तरनाक है, ये कॉम्बो हेल्थ साइड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। इन दोनों से आ रहा, तो इन दो से एक एक बैटल और कर लेंगे फिर वीडियो एंड करते हैं। और हेल्थ साइड से थोड़ी सी ज़्यादा आशा थी, मतलब एक एवरेज भी जैसा परफॉर्म किया है इसने, एवरेज से थोड़ा बेटर बोलूँ तो थोड़ा सा बेटर ही, बाकी मेरी आशा थोड़ी काफ़ी ज़्यादा थी हेल्थ साइड से, तो उतना अच्छा नहीं साबित हो पाया है जितना अच्छा ड्रैन स्वाड यूजुअली साबित होता है। इस बार शायद डिफीट कर देगा आई थिंक, और नहीं हो पाया। तो यार ये एक अपने आप में समस्या है थोड़ा सा, मुझे अच्छा नहीं लगा आज हेल्थ साइड का परफॉर्मेंस। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों के केस में भी ऐसा ही है या सिर्फ मेरे ही केस में है या अजीब सा परफॉर्म कर रहा है। खैर इस बार तो इसने हरा दिया है, जो कि मतलब ठीक है, थोड़ा सा बेटर है, रिलीफ है, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कि मतलब उतना एक्यूरेट हो कि हर ज़्यादातर कि 100 में से 50 बार तो हरा ही रहा है, वैसा नहीं है। 100 में से 40-30 बार 40 टाइम्स हरा दे रहा है, 40% ही है इसका विनिंग चांस मेरे हिसाब से, तो वो थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगा। तो थोड़ा सा मतलब हेल्थ साइड ने देखो बाकी बेस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा किया है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो अच्छा नहीं उतरा है। तो मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, आप लोग डिसाइड करके बताओ इस बार कि हेल्थ साइड कैसा परफॉर्म किया है। बाकी मैंने अपना डिसीजन बता दिया है, और परफॉर्मेंस भाई देख ही लो फिर से ही हार गया। अब मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा भी मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया है, मुझे उम्मीद ज़्यादा थी और उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरा है। तो यस गाइस यही था आज के लिए मेरी तरफ से, और मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन। तब तक रहिए गाइस स्टे सेफ और हैप्पी प्ले टीम।